हाँ बैठो ना। ए वहीं पे रुक, बैठने का नहीं, उसके ऊपर बैठने का नहीं। सस माँ बैठने के लिए तो लाइए चेयर्स। और नहीं तो क्या, चेयर तो बस बैठने के लिए होती है, ऐसा बैठने का। ए! सुमित्रा नाराज मत हो। इट्स ओके शर्मिला, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है इनका नेचर कैसा है। बहुत अच्छा है मेरा नेचर, समझी ना। वैसे कौन सी ब्रांड की है ये चेयर? पता नहीं कौन से ब्रांड की है, उन्होंने कुछ बताया नहीं हमको। हमारे यहाँ सब ब्रांडेड होता है, हमारे इन्होंने तो यूरोप से लाई थी वो चेयर, एरोप्लेन से। देखा देखा, एसी की वजह से मैं इसको टारगेट करती हूँ, क्योंकि ये एसी है। एसी कैसे? एसी एसी। शर्मिला जी। आती हूँ शर्वरी जी। आ गई है मेकअप की दुकान, फीका पकवान। तुझसे 5 गुना जवान, आपसे 10 गुना जवान। क्या हुआ? वो शिवरा के पापा घर पे है। नहीं नहीं, वो आपके जैसे फ्री कहा जी, काम पे गए, अभी काम होता है उनको। ये तो काफी अच्छी बात है, मैं उनके लिए काफी खुश हूँ। मिस ब्यूटीफुल जी, शिवरा की दादी बाहर क्या खड़ी है, अंदर तो आ। आइए, आपको बुलाया है। ओल्ड दादी की जगह इज बैक। मेरे बेटे ने लाया है, जिगर के टुकड़े ने, अपनी खून पसीने मेहनत की कमाई से। इनको अभी बोनस मिला, वो क्या कहते हैं, वो बॉस बहुत खुश हुए, इन्होंने एक डील ब्रेक की। हाँ, वो दो चेयर्स भी लाई है, देखो एकदम मुलायम है। मैं शुरा के पापा के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ ना, चल उसके ऊपर बैठते हैं, चल चल। सीट सीट, आह वाओ, हाउ इज यू फीलिंग? सच में ये काफी आरामदायक है। ये मेरे बेटे ने आज ही लाया है, सरप्राइज दिया मेरी और मेरी बहू को, आंखें बंद करके लाया था। ये अच्छा है श्रेया की दादी, आपने मुझे इसके ऊपर बैठने नहीं दिया। दूर रह के बात कर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बैठना भी नहीं है। जब मैं कोशिश कर रही थी तो मुझे मना किया और इनको खुद आके बिठाया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये शर्वरी है, द मिस ब्यूटीफुल, एंड तू सुमित्रा, द चुगलखोर। शर्मिला मैं जा रही हूँ। झटका तो देखो कितना आ रहा है, मारने तो झटके। सुमित्रा, अपमान अपमान अपमान, बस अपमान होता है मेरा। क्या सस्मा, मेरी दोस्त को आपने ऐसा किया, कितना बुरा लगा होगा उसको? लगने दे बुरा, वो कोई अच्छी नहीं है। मिस ब्यूटीफुल को, जोया डार्लिंग को कितना परेशान करती है, उनकी निजी जिंदगियों में दखल अंदाजी करती है। अच्छा हुआ, बहुत हुआ, रिस्पेक्टेड है, इसलिए मैं करती हूँ रिस्पेक्ट। कितनी करूंगी मैं रिस्पेक्ट, एक दिन सबके सामने कुछ ऐसा बोल दूंगी ना, 4 दिन रोती रहेगी बुढ़िया। ए बहू जा, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म अदरक मार के चाय लाओ। ना ना, चाय की कोई जरूरत नहीं है, पियो ना अभी आराम से मेरे लिए। ठीक है, आपके लिए पीती हूँ, करती हूँ। सुमित्रा आती हो, क्या हुआ? सस मैंने जो भी किया ना उसकी तरफ से मैं सॉरी, तुमको तो पता है वो कैसी बुढ़िया है। इट्स ओके शर्मिला, मुझे पता है उनका कैसा है स्वभाव। अभी जैसे ही सो जाती है ना, हम दोनों उसके ऊपर नाचेंगे। अच्छा, बहुत मजा आएगा। मैंने देखा ना बैठ के, ऐसा बहुत मुलायम था। मुझे तो देख के लग रहा है काफी मुलायम होगी वो। अभी नेक्स्ट टाइम की किटी पार्टी हमारे घर में करेंगे, वो भी एकदम धूमधड़ाके से। ठीक है, ये तेरा, तुम्हारे घर में किटी पार्टी करेंगे, और ज्यादा औरतों को इनवाइट करेंगे। हाँ, पूरा घर भर देंगे औरतों से तुम्हारा, क्या है हमको खर्ची भी ज्यादा मिलेगी। बहुत अच्छा हो गया शुरा के पापा का जॉब लग गया, मेरे सिर का बोझ हल्का हो गया, नहीं तो बार बार मुझे ऐसा लगता था मेरे वजह से उनका जॉब गया। फाइनली उनको जॉब लग गया, ये काफी अच्छा हुआ। और क्या चल रहा है जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस मेरी जॉब को छोड़ के पता नहीं क्या हुआ, इस बार भी मैं इंटरव्यू तक गई और इंटरव्यू में जाके फेल हो गई। अरे क्या, किसकी नजर लगी है तेरे जॉब पे? पता नहीं लगी नहीं रहा, मेरे बेटे का भी ऐसा ही था, पता नहीं कैसे लग गया, शायद शर्मिला ने कुछ टोटका किया, पर लग गया उसका। लगेगा लगेगा, जरूर लग। अरे हाँ,
मेरी एक दोस्त है जोही नाम की, उसकी फ्रेंड है ना, उसके बेटे की बहुत बड़ी कंपनी है चंडीगढ़ में, मैं उससे बात करके देखती हूँ। शर्मिला बहन क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो? हमने नया फर्नीचर, बेड वो सब लाया है। आप बोल रही थी ना हमारे घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है, उठने के लिए कुछ नहीं है, अभी आके देखिए। क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आना कभी आराम से। आराम की असली हकदार मैं खनकाऊंगी पायल, पायल की पायल को है। हाँ बहुत बुरा हुआ उसके साथ, उसको घर से बाहर निकल दिया, अभी आज कई फूलों पता चलेगा क्या करेंगे। देखो ना अब कहाँ जाएगी वो, उसके मायके वाले भी कैसे हैं, उसको मायके से भगा दिया था, अब ससुराल से भी भगा दिया। बेचारी कैसे तो दिख रही है वो, नसीब में भगोड़ा है उसका, कभी साथ नहीं रहता। ऊपर से उसकी सास कितनी जालिम है। जालिम क्या, महा जालिम सास है वो। सास का काम ही होता है बहू को परेशान करना, वो तो बस मौका देखती है बहू को टॉर्चर करने की। टॉर्चर होता है वो वही। ए बहू क्या हुआ, चाय लाना या कल लाएगी? मैं चाय करके आती हूँ। क्या है ये ऐसा टॉर्चर, जरा सा मैनर्स नहीं है इसमें। बेचारी शर्मिला इनको क्या हो गया? ये तो अपने बालों के लिए कौन सा ऑयल यूज करती है? मैं अपने बालों के लिए कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, काफी अच्छा है वो। मेरे बाल तो झड़ना ही बंद नहीं हो रहे। ओह यस, पता नहीं व्हाट हैपेंड बट एवरी एवरी डे इतना इतना गिरता है। उरी बाबा डर लग रहा है मुझे तो, गंजी हो गई तो। मिस ब्यूटीफुल अपने दोस्त को बोला चुप रहे, हर बार मेरे पीछे पड़ता है। क्या करे आप हो ये इतनी खूबसूरत। चुप कर नलायक। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी जल्दी। चूड़िया निकल रही है बेशरम, उसकी माँ ने दी थी शादी में, वो निकल रही है देखो। मंगलसूत्र पति की निशानी होती है ये, कम से कम वो तो रख नहीं देती, कितनी कितनी जालिम सास है। एपिसोड था आज का, मैं खनकाऊंगी पायल मेरी सजना की अंगड़ी में। ससमा आपको ये टाइटल समझ में आया? क्या तेरा फालतू का सीरियल, कितना आसान टाइटल है, बच्चा बच्चा बता देगा। वो बोल रही है मेरी सजना के अंगने में जाके मैं खनकाऊंगी पायल। मैं खनकाऊंगी पायल मेरे सजना के अंगने में, अब मैं समझाती हूँ। ये जो हीरोइन है ना उसका नाम पायल है, तो ये जो लाइन है मैं खनकाऊंगी पायल, ये सास बोल रही है, सास सास ऐसा बोल रही है कि मैं खनकाऊंगी पायल सजना के आंगने में, समझ में आया? ये बोल रही है सास कि पायल को मैं इतना परेशान करूंगी सजना यानी कि उसका पति, उसके पति के आंगने में, तो ये उल्टा अर्थ है एकदम, मैं खनकाऊंगी पायल सजना के आंगने में। चुप कर, मैनर्स ले सौरत।
उठ चुपचाप, भूख लगी है। आज कॉलेज का पहला दिन ना। हाँ दादी, अच्छे से एंजॉय करना। वो तो मैं करूंगी। और हाँ, नए नए दोस्त, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स अच्छे से बनाना। दादी आपको तो पता ही ना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ दोस्त मेरे खींचे खींचे चले आते हैं। वो तो मुझे पता है, तू मेरी होती है, मैं भी तेरे जैसी थी। और हाँ, अगर कोई तेरे साथ लड़ाई करे ना तो चुप रहे बैठने का, डबल फाइट करने का। ओके दादी। बेबो ऑल सेट? यस मम्मी, आई एम ऑल सेट। दिखाओ मुझे कैसे दिख रही हो। ओके, फेस इज ओके, हेयर इज ऑल्सो ओके, नाखून काटे? मम्मी मैं अभी कॉलेज में गई हूँ, स्कूल में नाखून चेक होते हैं, कॉलेज में नहीं। ओ अब तो तुम कॉलेज चली गई हो, अब तो तुम्हें नाखून बढ़ाने चाहिए, अच्छे से बढ़ाना। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में इतने बड़े बड़े नाखून लेके जाती थी। इसी की वजह से तुम्हारी मम्मी को तुड़ैल कहते थे। सशो सब याद से भर ले। हाँ मम्मी सब रख दिया है मैंने। ए बाऊ, वो उसकी आंखों के बीच वाले बाल काट देना, बड़ी हो गई है वो अब। सच मम्मी ने कहा है ना, उसके दो आंखों के बीच जो बाल है वो नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? देखिए आपको कुछ बातें नहीं पता जो मुझे पता है। बताओ मुझे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। श्रेया चल। बाय दादी। बाय। ध्यान से जाना, पहला ही दिन है, संभल के। हो गई लगता है कॉलेज के पहले दिन की तैयारी। हाँ अनुष्का भी तैयार हो गई है। अनुष्का बेबो जल्दी चलो। ओ हाय अनुष्का। हाय श्रेया, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। यस मामी। अनुष्का संभल के जाना दोनों। ठीक है मम्मी, पहले जाने तो दो। या आंटी आप जस्ट चिल कीजिए, हम हमारा पहला दिन काफी एंजॉय करने वाले हैं। श्रेया लेट्स गो। हंसते हंसते तो गई है, बस शाम को रोते हुए ना आए। हाँ